अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंगूरे अंगूरे डैडू अपना नाम करो डैडू। जी दे रहे मेरी बच्ची खुश रहे खुश रहे। भाई दिया इक्का हुआ कौन रंग लगा दिया आपको? अरे क्या बताऊं तेरे को बिटिया रानी, बड़े बदतमीज लौंडे हैं तुम्हारे एरिया के, बहुत मतलब उम्र का तकाजा ही नहीं है, लिहाज ही नहीं करते बुजुर्ग आदमी का। पिछली गली वाले लड़के ना? अरे हाँ बेटा वही हजार बार समझाया कभी, देखो मैं होली वोली नहीं खेलता, मुझे रंगों से एलर्जी है, लेकिन नहीं सुना होली है बल्कि पूरा मुंह रंग गया, ऊपर सर पे भी लगा दिया। दी हमरे डैडू वो कहा है ना, वो एक बार अम्मा जी को भी तालाब में डाल दिए थे। अम्मा कच्चा बनियान की माँ ऐसे ही पकड़े हैं उनको, उठा पाए थे वो? हाँ वो सब मिलकर उठाए और अम्मा जी को तालाब में डाल दिए। बड़ी हिम्मत है। अच्छा बेटा मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम तब तक चाय बनाओ। है कच्चा बनियान कहाँ है? वो कच्चा बनियान बेच रहे ना, मतलब अखो के पर है डैडू, साफ पर। काम पर है? अरे वाह काम भी करता है। नहीं आया बेटा हाथ मुंह धोकर। हाँ ठीक बा हम चाय बनाते डैडू। हेलो सुनो वो कहा है कि डैडू आ गए हैं, उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना है। ठीक बा ओहो हाथ मुंह धो के अच्छा लग रहा है भाई अब तो। अंगूरे आ जा बेटा। ई लीजिए डैडू। थैंक यू मेरी बच्ची थैंक यू। देख कहीं मुंह पे रंग तो नहीं रह गया मेरे? नहीं नहीं एकदम सपाचट हुई गवा है। अच्छा अच्छा डैडू। हाँ वो हम का पूछ रहे हैं कि आपका बिल्कुल भी रंग नहीं खेलते हैं। अरे बेटा इस बुजुर्गी में काहे की होली, कैसा रंग, जब जवान थे तो खेला करते थे, जम के खेलते थे। वो तो हमको पता है, एक बार मम्मी बता ही रही हमको आपके जवानी के होली के किस्से। हाय दिया। अरे बेटा मैं तो गांव में कंदी वाली होली होती वो खेलता था। अरे मेरा तो खौफ था, पूरे गाँव में मेरा खौफ था, जैसे गब्बर का खौफ नहीं था ऐसे मेरा खौफ था। अगर कोई औरत साफ सुथरे कपड़ों में निकलती थी ना तो लोग कहते थे बहन बहन अंदर चली जा, घर में चली जा, वरना भूरे आ जाएगा और जाने तुझे कहां कहां रंग लगा जाएगा। <आई दिया। laughs> लेकिन अब आप होली का है ना खेलते हैं? बेटा मैंने बताया ना मुझे एलर्जी हो जाती है, नहीं खेल, लेकिन मजा ना, कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे रंग लगा दे नेवर। अच्छा ये तो बहुत अच्छा बात है। हम कहा सोच रहे डैडू ये बात पे हम आपको एक ठो गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट? मतलब गिफ्ट? पागल है क्या तू? मेरी बच्ची है, मुझे तुझे गिफ्ट देना चाहिए बेटा। कहा डैडू आप तो हमको इतना सारा गिफ्ट दिए हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना एक आध ठो गिफ्ट आपको भी हम दे। आप यही रुकिए हम अभी आते हैं। अरे बाप रे इसमें क्या है भाई? आप सर पे राइज है, खोली खोलूं? अच्छा भाई ये ले। विभो विभो कितना टाइम लगता है तैयार होने में? 2 घंटे से तैयार हो रहा है, इतना टाइम तो औरतें भी नहीं लेती हैं तैयार होने में। पता नहीं क्या गले में जो है वो टाई बांध रहा है या घंटा लटका रहा है। आपके खानदान का चश्मो चरा गया ना चाचा जी? बहू एक ना बता, हर बात में तू मेरे खानदान का जिक्र क्यों करती है? ऑब्वियसली चाचा जी विभु आपके खानदान का है तो आपके खानदान का ही जिक्र होगा ना, महारानी विक्टोरिया के खानदान का तो जिक्र होगा नहीं। हाँ ये भी बात है। विभु बैठ गया। विभु मैंने बहुत मुश्किल से मिस्टर भरत पंबानी को मनाया है, हाँ वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम प्लीज 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 चले जाओ ना आज। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जाना नहीं चाहता, तुम मुझे फोर्सफुली जबरदस्ती भेज रही हो। बेबी आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। वाओ
बिग प्लान्स हैं काफी. वाह, तो रोका किसने? जाओ. तुम बोल रही हो कि बाहर निकलते ही भाभी जी उनका गैंग मुझ पर अटैक कर देगा कीचड़ से. मैं जानती हूँ मेरे, लेकिन मैं मिस्टर भरत बंबानी को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती ना. वो उल्टा हमें ही बेवकूफ ठहराएंगे कि कैसे हम अजीबोगरीब से रीजंस दे रहे हैं उन्हें. Can you eat softly, Chach, please? मैं समझता मानू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन भाभी जी को कौन समझाएगा? अबे तू बातों का बादशाह है, फिर जाके सामने वाली बॉडम बहू का ब्रेन वॉश कर दे, और क्या? ब्रेन वॉश करने के लिए ब्रेन भी होना चाहिए पार्टी के पास. देखो वो बोलने का मौका नहीं देती, जैसे बाहर निकलो वो अटैक कर देती है कीचड़ से और रंगों से. देखो वैभव, मैं कुछ नहीं जानती. मैंने सेकंड टाइम मिस्टर भरत से रिक्वेस्ट की है, अगर इस बार तुम नहीं गए ना तो मेरी इज्जत का कूड़ा करकट हो जाएगा. तो एक काम करो, मुझे पैसे दो. क्यों? मैं एक हेलीकॉप्टर बुक करता हूँ, हमारी छत पे वो लैंड करेगा, मैं उसमें बैठूंगा, उड़ जाऊंगा, इंटरव्यू देके आ जाऊंगा. सिंपल. क्यों ले रहा है पंगे यार, सुधर जाना थोड़ा. मैं क्या कह रहा हूं सुन, जा 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 जा, जा. और जरा कलाबाजियां खाते हुए जाइयो, जिससे सामने वाली मोड़म बहू का निशाना तुझ पे ना लग सके. अगर मुझसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, हटो यहां से. भैया चूस भी, भैया हम कहूं बदतमीजी नहीं कर रहे. भैया मैं बोलते सेठ, बड़ा सीरियस मामला है. अबे क्या हो गया बे? भैया भैया भैया, अंगूरी भाभी सीढ़ियों से गिर के फिसल गई. भैया उनके पैर में गंभीर चोट आ गई रे. मुझे तो लग रहा है, भाभी जी के पैर की ना हड्डी चटक गई. भाभी जी, भरभूति जी, मम्मी, अब तेरा क्या होगा भरभूति? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.